स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नरेशन में देखा था, नरेशन में पढ़ा था। इसके पहले मैंने आप लोगों को नरेशन के हाउ टू चेंज द नरेशन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस मैंने बता दिया है। अब आपका नेक्स्ट है ऑपरेटिव सेंटेंस, मतलब इफ द गिवन इंपोर्टेड स्पीच सेंटेंस आर कंटेंट इन द ऑपरेटिव सेंटेंस, सो व्हाट विल बी द रूल्स टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इंडेक्स। अगर दिया गया रिपोर्टेड स्पीच का वाट आपका ऑपरेटिव सेंटेंस हो तो हम उसको कैसे नरेशन के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तित करेंगे, आज हम वो नियम देखेंगे। और बिफोर गोइंग टू डिस्कस ऑन द चेंजेस ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंस। हम यह जान लेना अच्छा होगा कि ऑपरेटिव सेंटेंस करते कैसे। मैंने आप लोगों को बताया गया, समझाया गया कई बार, ऑपरेटिव सेंटेंस और हिंदी में कहें तो बोलते हैं इच्छा बोधक वाक्य, मतलब इच्छा बोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो मानव हृदय में पहले से किसी के भी प्रति व्याप्त हो, पुनर्नियोजित हो। वो सब क्या कराते हैं, मतलब किसी के प्रति आपका प्रेम का, करुणा का, प्रार्थना का, आशीर्वाद का जो भाव होता है वो आपके मन में पहले से ही किसी के भी प्रति, किसी भी प्रति अर्थात अपने स्वजनों के, जो आपके अपने हैं, अपने माता पिता भाई बंधु सखा, उन सब प्रति आपके मन में जो भाव पहले से नियत टाइम प्री मेडिकेटेड होते हैं वो ऑपरेटिव सेंटेंस का। तब थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको डिफरेंस पूछेंगे बाद में, क्या डिफरेंस अबाउट एक्सटर्नलिटी एंड ऑपरेटिव, क्या अंतर है, ठीक है। तो ऑपरेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य किसी के भी प्रति हमारे मन में जो भावना या विचार पहले से नियोजित होते हैं, उन प्रार्थना का, आशीर्वाद का, ऐसे अगर आपका कोई मित्र है या आपकी माता पिता, आप उनकी हमेशा अच्छी की कामना करें, उसके लिए बुरा नहीं सोचिए। यदि आपका कोई शत्रु है या फिर कोई आपका प्रतिबंधी है तो उसके लिए आपके मन में द्वेष या ज्ञान पहले से ही हो, आप उसके लिए पहले से ही निगेटिव सोचिए, ठीक। ये भाव आपके अंदर पहले सोचिए, अच्छा आप नहीं सोचिए, ये आप निगेटिव सोचें तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन की बात है। अब आपके आपका कुछ लिखा है ध्यान से देखिए आप लोग, ऑपरेटिव सेंटेंस इन नरेशन, एज वी नो ऑपरेटिव सेंटेंस आर प्री डिसाइडेड। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, प्री डिसाइडेड, यहाँ प्री डिसाइडेड इमोशंस आर डिजायर्ड, मतलब आप मतलब ऑपरेटिव सेंटेंस की जो बात कर रहा है वो पहले से ही नियत भावना या इच्छाएं हो और एनी वन किसी की, तो किसी के लिए जो आपके मन में भावना या विचार है जो पहले से पुनर्नियोजित होती है वो ऑपरेटिव सेंटेंस का है। और फीचर्स क्या होता है ऑपरेटिव सेंटेंस, हाउ टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश दैट डिफरेंट सेंटेंसेस आर ऑपरेटिव सेंटेंस, कैसे आप तय करें। ऑपरेटिव सेंटेंसेस आर एंड विद द मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, आप देखेंगे कि ऑपरेटिव सेंटेंस आपका जब समाप्त होता है तो उस ग्रंथ के संबोधन चिन्ह है एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड स्टार्ट वर्ड मीन, और जब शुरू होता है तो मीन से शुरू होता है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू सी द एवरी सेंटेंस जरूरी नहीं कि सभी सेंटेंस नहीं, अगर होगा पूरा सेंटेंस इंग्लिश से शुरू होगा और अगर नहीं होगा तो भाव वही होगा लेकिन ये उसको नहीं होगी। एंड डिस्क्लोज द सेंस एज फॉलोइंग, और कहने का मतलब आपके किस सेंटेंस की जो बात की है वो जो उसका काम होगा उसका राष्ट्र में आपका अच्छा है जैसे मार्क लगेगा संबोधन का ऐसे लगा हुआ हो और वो वाक्य के साथ शुरू किस से होगा मेन मेन से शुरू होगा लेकिन ये इंटरगेटिव नहीं होगा तो उसके लिए मार्क लेंगे आपका ऑपरेटिव है और उससे इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है, तब
चेंज हमने येलो का क्यों बनाया कि इस तरीके से क्रिया से बदल गई इच्छा का भाव प्रकट होगा तो बीच में बदल गई अगर उसको ये के वाक्य का अर्थ आशीर्वाद का आ रहा है तो बीच में बदल गई अगर कष्ट का आ रहा है तो किसी शाप का भाव प्रकट हो रहा है तो इसमें आज में बदल गई और तो प्रार्थना किसी को दिल कर रहा है तो बीच में बदल गई यदि शुभेच्छा क्रिया किसी से गुड मॉर्निंग मिली हुई है तो इतना साफ कर दिया है तो बर्थडे गुड गुड इवनिंग इस तरीके का पार्ट करते हैं तो वेट वेट की तरह ठीक या इसके कुछ सुंदर के कुछ और देखते हैं जो भी सुटेबल वह बात है जो आपके ग्रीन को प्रस्तुत कर सकता है वो ठीक है तो आप एक बार इसका स्नैपशॉट ले लीजिए सुंदर ताकि आपको इसमें दिखाई दे आपको तो ये आपका और आगे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आपको रिपोर्टेड सेंटेंस में विल बी चेंज इनटू माय करके जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की ये रिपोर्टिंग कर डायरेक्ट को हमने समझनी हो ये वर्ड्स उसे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के हिसाब से माय भी कर देंगे इन इनडायरेक्ट तो इन डायरेक्शन में मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाए तो आप में को माय में परिवर्तित कर चेंजेस कर लें हमारे पर यहाँ पर एक एरिया जब आप यहाँ पर दिए गए भाव के अनुसार रिपोर्टिंग और सेटिया से को स्वीकार करेंगे और कामा और इन्वर्टेड कामा को आप रिप्लेस करेंगे तो आप कनेक्टिव दैट कराएंगे कनेक्टिव दैट इज कंपल्सरी एनी टाइम आफ्टर गिविंग अ प्रिटी सेंटेंस इसी प्रकार का आपको सेंटेंस होगा जब आप उसे डायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलेंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट ठीक और बाकी चेंजेस इफ द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस सब्जेक्ट इज गॉन अगर एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहे जब आपके दिए गए रिपोर्टेड स्पीच का वर्ड ऑपरेटिव और उसमें गॉड मतलब ये वर्ड ऑलरेडी लगा हुआ गॉड लग कर आया देन सेड या सेड टू विल बी चेंज इन फ्रेम हमेशा आप क्या करेंगे तो आपका रिपोर्टिंग वर्ड का रिप्लेसमेंट कुछ भी आप दिए गए रिपोर्टिंग वर्ड की सेड या सेड टू को हमेशा ट्रेड में बदलेंगे जरूरी नहीं है लेकिन अगर क्योंकि भगवान का जब नाम आता है तो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे देव हो चाहे राम भगवान से प्रार्थना ही करता है भगवान से इच्छा प्रकट करता है उसकी इच्छा कैसे होती है प्रार्थना है तो वो प्रार्थना करता है अगर गॉड चला रहा हो तो व्हाट एवर द रिलेशन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मतलब आपके रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्या है आप उस पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि आप देखेंगे कि अगर रिपोर्टिव स्पीच के बाद में गॉड सब्जेक्ट के रूप में आया है या गॉड आया है ऑब्जेक्ट के रूप में गॉड से बात की गई तो रिपोर्टिंग वर्ड को हमेशा फ्रेम में बदलेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिव सेंटेंस नरेशन इफ द गिवन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंसेस आर कंटेंट विद द ऑपरेटिव सेंटेंस सो दीस काइंड्स ऑफ चेंजेस शुड हैव टू बी रिटन बाय द लर्नर आपके द्वारा ये सब चीजें परिवर्तित की जाए और दैट नॉट मीन्स टू बी द से जरूरी नहीं है कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का बात हो उनमें से शुरू हो के में से अंत में वो क्वेश्चन मार्क नहीं खत्म होते हैं तो आपने क्या करा है ऑपरेटिव करा है इसके बाद एक आपको एक सेक्शनल उदाहरण देखते हैं कि आपको बोलते तो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है लेकिन उसमें जो भाव होता है वो ऑपरेटिव का होता है वो इंट्रोगेटिव के लिए करा उसको थोड़ा हम देखेंगे चर्चा करेंगे लेकिन पहले आप इसे आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड द डेफिनेशन रूल्स एंड द डिक्टेटेड अगर आप एग्जांपल दें पहला है सी सेड मे गॉड ब्लेस यू देखिए सेंटेंस किससे शुरू है मे और आपके लास्ट में क्या लगा है एक्सक्लेमेशन का मार्क सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस हमने क्या था बदले के अभी इसमें क्या था गॉड आया था अभी भी बनता है प्रार्थना से तो सी क्या से टू किस में सी प्रे कॉमा इनवर्टेड कॉमा हमने क्या क्या लगाया हमने कनेक्टिव सॉरी कोटी वर्ड लगाया प्रे कॉमा इनवर्टेड कॉमा हमने क्या लगाया स्टार टैग क्योंकि यहाँ पर गॉड सब्जेक्ट टू किस था गॉड पर था और क्योंकि मे था ये इंट्रोगेटिव ये एज ए इंट्रोगेटिव की तरह या ऑपरेटिव वर्सन लेकिन जब आप इसे जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये गए आप उसकी संकेत को आप सिंपल संकेत दीजिए माइंड ये बात आप ध्यान रखें ठीक तो ये ऑपरेटिव संकेत को सिंपल में बदलेंगे सिंपल का तरीका है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो गॉड मे का क्या हो गया माइंड बाकी ब्लेस अब यू क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पर्सन ये हिम सी जो भी होगा तो हमने हिम और हर दोनों रखा है तो आप उन भी लगा सकते हैं आप अपने प्रयास से दोनों डिस्कस कर सकते हैं ठीक ये नेक्स्ट एग्जांपल
गोइंग टू हेल्प. मैंने कहा जरूरी नहीं क्रिया का सेंटेंस क्या है, आप बेटी मी लगा यहाँ पर क्रिया से गोइंग टू हेल्प, यहाँ पर मी नहीं और सब्जेक्ट भी नहीं, सीधे मतलब आने वाला इतना ज्यादा उत्साहित, आने वाला इतना ज्यादा भाव उत्तेजना में है, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि सब्जेक्ट क्या है, उस पर भी सारा ही जैसे इस पर भाव गुड हेल्थ हां तो लेकिन यहां पर ऐसे सेंटेंस में जिसमें आपका देखें कि फाइंड आउट वर्ब से शुरू हो, कैसे पता चलेगा कि इसमें मी नहीं है और आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आप देखो तो कैसे वाक्य में लास्ट में क्या लगा एक्सक्लेमेशन का मास जो आपको बताया, तो आपको यहां पर समझना होगा ऐसे वाक्य जिसमें मी नहीं लगा हो तो ऐसे वाक्य में आपको मानना पड़ेगा कि यहां पर मी यू क्या हुआ है आई छुपा हुआ, क्यों मानेंगे जब आप इसे चेंज करेंगे तो आप इसे मान कर करेंगे यहां पर मी यू है ये का दूसरी सब्जेक्ट है नहीं, तो कैसे इसे बदलेंगे कैसे परिवर्तित होगा होगा आप नीचे देखेंगे उच्च किस में भाव कैसा है हार में बस एक किस कैसा है अभिशाप इसके लिए क्या कहा गया है अभिशाप किया जा रहा है इसको भला बुरा कहा है इसी को रोक क्या करते हैं बद्दुआ दिया रीना हमने इसकी सेंस के हिसाब से क्या होता है और जो the objective sentence regarding to the narration and you will